वेलकम टू लॉजिकल मैजिक मेधास वीडियोस। हमारा मानना है कि असली मैजिक उन कहानियों में है जो मानवता की शुरुआत से लोगों ने एक दूसरे से कही हैं। उसमें से कई कहानीकारों ने ऐसी कहानियां कही हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर हम एक अलग ही मैजिकल और लॉजिकल दुनिया की यात्रा करते हैं। इसी तरह की कुछ शानदार कहानियाँ हम आपको यहाँ सुनाएंगे और ये कहानियाँ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कहेंगे। अगर आपको भी मेरी तरह कहानियाँ सुनना, पढ़ना, लिखना और कहना पसंद है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज हम हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय कहानीकार, उपन्यासकार और विचारक प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी आत्माराम सुनेंगे। आप इस कहानी को यहाँ हिंदी और इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं। प्रेमचंद को भारत में उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कई कहानियों और नॉवेल्स पे फिल्म्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी बने हैं। उन्होंने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में एज स्क्रीन प्ले राइटर भी काम किया। उनकी इस कहानी को सुनकर और पढ़कर हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वेदोद्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ ठट ठट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो ये ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव तो कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूटा ही उठ आता और नारियल का हुट्टा पीता हुआ सो जाता। उसका व्यवसायिक जीवन और भी अशांति कारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी ठटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्टसाध्य थी, तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गांभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता। जो ही अटल शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र के जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोग वश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया, तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के बालों, दाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चिलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे नितम्बे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यही तोता। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब इस अवस्था में था जब मनुष्यों को शांति भोज के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने टाव टाव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर आ बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतिगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती।
दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव तो चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने टंटड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुंजी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उछलता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत दुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुंगी से उतरकर नीचे की एक डाल पे आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत दुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपते हुए धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपटा कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ ना आया, फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई, माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजरे ही में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसने टंट में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निसार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि यह उसकी अतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा रह रहकर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौटकर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत दुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौटा, देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तमाटू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सत दुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। तो जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर भागा, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर है। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर कर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक तलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने तलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत तलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साहू से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अतनेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी टोश के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पट्टा मतान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, नित संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति तथा पुराण सुनने लगा, साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों डर। उसने परीक्षा करने के लिए तलसा उठाया और 200 पद तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया।
जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़ियां गाने लगी, सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लादा। यह बोल सदैव महादेव की जीवा पर रहता था। दिन में सहस्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव तभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में टोपले और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रवाह से वह झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों तो जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मर दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी तब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से आत्मा विहिल्ल हो गई। वह अनुरुक्त होकर कह उठा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लादा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बदल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छुपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढक कर अपनी कोठरी में रख आया। दिन निकल आया तो वह सीधा पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पालागन किया। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, यह अमंडल मूर्ति कहां से आ पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मयसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी, तथा के उपरांत भोज का भी नेता था, जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को ददा दी, कितने थरे को ठोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की ताली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम में जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चौथे माल का ठोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक टौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सकता हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से एक महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले, गवाही साथी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे, किसी ने अविश्वास से कहा, क्या ठाकुर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिटोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए, महादेव ने उत्तर दिया, उससे घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन मिल कहां से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ, देहात के आदमी थे, जड़े मुर्दे उठाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल छूट हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था।
सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है, आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित, 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरे निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीटाएं होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा, बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, बनने तो पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज तथा होने दीजिए, मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद ना आती, अब वह कोई काम न करता, शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता, दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि 1 महीना पूरा हो गया और 1 आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहला कलश दिखाई देता है, वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पत्ता तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं, उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है, यही आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जटित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता वह सत गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्धान हो गया। पर यथार्थ ये है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लाता। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य ये है कि आत्मा राम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौटकर न आया। उसका नाम आत्मा राम प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी पे अपना रिव्यू हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी हिंदी में सुनकर आपको अच्छा लगा तो अगले वीडियो में इसे इंग्लिश में भी सुनें। इससे आप जानेंगे कि एक भाषा से दूसरी भाषा में साहित्य का अनुवाद या ट्रांसलेशन कैसे होता है। और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी कहानियाँ लिखते हैं और कहते हैं तो अपनी ओरिजिनल स्टोरीज शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट में सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ राइटर्स के लिए कैश प्राइज भी है। उसके लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करना है। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सब कहानी तारों और कहानी प्रेमियों को धन्यवाद। थैंक यू।